आप सभी का फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार के आज रात की कहानी में बहुत सारे खूबसूरत बदलाव आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। रिसेंटली एपिसोड की शुरुआत होगी, भवानी देवयानी को हक करेगी और दोनों एक दूसरे पर अपना ढेर सारा प्यार दिखाएंगे। यहाँ पर अपनी बेटी को प्यार से गले लगाते हुए देवयानी बहुत फूट फूट कर रोते हुए नजर आएगी। भवानी बाद में देवयानी को आशीर्वाद देगी और उसे माफ़ भी कर देगी, लेकिन भवानी पुलकित को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। बाद में दिखाया जाएगा कि पुलकित को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि कम से कम भवानी ने उसे और उसकी बीवी को एक्सेप्ट तो करने के बारे में शुरुआत की। पुलकित यहाँ पर भवानी का बदला हुआ बिहेवियर देख करके उसे इमोशनली थैंक यू कहेगा और कहेगा कि थैंक यू सो मच काकू, आपने मुझे उस वक्त नई जिंदगी दी जब मैं अनाथ था। अब मेरा लाइफ में दिव्यानी के अलावा कोई नहीं, पर तब तो दिव्यानी भी नहीं थी, लेकिन मैं इसी में खुश हूँ। निनाद ओमकार यहाँ पर यह सारा बदलाव देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे और वो यहाँ से छोड़कर जगह जाने की कोशिश कर ही रहे होंगे कुछ बहाना बनाकर। तभी भवानी उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम लोग भी यहीं पर रुको। भवानी एक एक करके देवयानी को खूबसूरत गिफ्ट्स देती है, जिसमें कुछ ज्वेलरीज होती है और शादी की रस्मों के हिसाब से कुछ गहने और होते हैं। देवयानी जिन्हें देखकर बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाती है और वो थैंक यू करते नहीं थकती। यहाँ पर भवानी शादी की जो बाद की रस्में होती हैं उसे पूरा करने के लिए सोनाली को नहीं बल्कि अश्विनी को चुनती है। अश्विनी सारी जो रिचुअल्स होती हैं सोनाली से अवॉइड करके वो पूरी करती है। ये सब देखकर सोनाली का मूड ऑफ हो जाता है और ओमकार से कहती है कि पता नहीं सई को कौन सा काला जादू आता है, जब उसने भवानी बहनी को मना लिया देवयानी को कबूल करने के लिए। यहाँ पर देवयानी और भवानी एक खूबसूरत माँ बेटी का रिश्ते का बॉन्ड शेयर करते हैं और तब सई यहाँ पर सबको लंच के लिए बुलाती है। बाद में आप देखेंगे कि कैसे पाखी अभी भी इन सब की हरकतों को देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। बाद में सई विराट अश्विनी मोहित और भवानी एक दूसरे के साथ बैठकर खाना काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन विराट सई यहाँ पर पुलकित और दिव्यानी को कहते हैं कि चलो चलो अब तुम दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाओ, ठीक वैसे ही जैसे शादियों में ज़्यादातर रस्मों के दौरान होता है। इन दोनों की ये रस्म देखकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। तभी दिव्यानी यहाँ पर विराट से कहती है कि अब तू भी सई को अपने हाथ से खाना खिला। सई मना कर देती है ऐसा करने से, लेकिन पुलकित उसे कन्विंस करता है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, जिसे देखकर पाखी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पाखी इन दोनों की बॉन्डिंग देख करके काफ़ी ज़्यादा रोते हुए टेबल पर बैठी रहती है और तब सई एक दूसरे को बहुत ही रोमांटिक तरीके से खाना खिलाते हुए आए मोमेंट शेयर करते हैं। पहले सई विराट को खाना खिलाती है, लेकिन बड़ी ही शरारत वे में उसके आगे से स्पून जो है वो हटा लेती है और ऐसे ही विराट भी करता है। और यानी कि आपको आज रात के एपिसोड में इन दोनों का बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सीक्वेंस देखने के लिए मिलने वाला है, जिसे देखकर सई जल भुन जाएगी और वो जानबूझकर अपने हाथों से चम्मच प्लेट पर गिरा देगी ताकि इन दोनों का ये जो खूबसूरत मोमेंट है वो ख़राब हो जाए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अगली रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।